दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे टेनिस के रिगार्डिंग सेकंड पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो लेके आऊँ। जो इस बार वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ एटीपी रैंकिंग नंबर 3 के प्लेयर वर्सेस एटीपी रैंकिंग नंबर 4 के प्लेयर। 3 के प्लेयर थे डैनियल मेडवेडेव वर्सेस 4 के प्लेयर जेनी सिनर, जो परफॉर्मेंस बढ़िया कर रहे हैं, 4 वाले ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं एज कम्पेयर टू 3, क्योंकि 3 का दबदबा, 3 मैचेस नहीं जीत पाए लगातार और 4 वाले प्लेयर लगातार 3 मैचेस जीते हैं, अनडिफिटेड रहे हैं टूर्नामेंट में और बढ़िया प्रदर्शन किया ये वाले मैच में भी और ये भी जीता। फिलहाल दोस्तों देखा जाए एटीपी रैंकिंग 3 वर्सेस 4 का सेमीफाइनल था और जो जीतेगा वो जाएगा एटीपी टर्निंग के फाइनल में और जो जीते हैं वो है जेनी सिनर। फिलहाल दोस्तों एनालिसिस में थोड़ा अच्छे से बताएंगे, उससे पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स के रिगार्डिंग। फिलहाल दोस्तों अगर मैं बढ़ूँ पहले सेट की ओर, तो पहले सेट में शुरुआत अच्छी रही 1-1 रहा, उसके बाद काफ़ी बार मेडवेडेव के पास अपॉर्चुनिटीज आई थी भाई उनकी सर्विस गेम ब्रेक कर ले, वो नहीं कर पाया। उसके अर्ली सर्विस गेम पे अपोजिट हुआ, जेनी सिनर के पास अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने ग्रैब किया, ऊपर से वो 40 लव थे तब मेडवेडेव, तब उनकी सर्विस गेम ब्रेक की और 3-1 से आगे हुए, फिर अपनी सर्विस गेम पे होल रखने शुरू किया। इस बार सिनर ने एक बार जोकोविक के खिलाफ भी ऐसे ही ब्रेक किया था और इस बार अभी भी ऐसे ही ब्रेक किया और पहला सेट जीता 6-3 से। सेकंड सेट काफ़ी ज़्यादा टाइट रहा, ब्रेक पॉइंट आ रहे थे बट सेव सबने किया दोनों प्लेयर्स ने, वो 6-6 पे चले टाई ब्रेकर। वैसे देखा जाए सिनर के पास कम उन्होंने चांसेस दिए एज कम्पेयर टू मेडवेडेव, जब सर्विस गेम चले थे उनकी सर्विस गेम पे ज्यादा ब्रेक पॉइंट आए बट मेडवेडेव ने सेव किए, बट टाई ब्रेकर में ज्यादा सुपर्ब दिखे मेडवेडेव और बढ़िया तरीके से उन्होंने 7-4 से टाई ब्रेकर जीता और सेकंड सेट जीता 7-6 से। थर्ड सेट की बात की जाए तो थर्ड सेट की शुरुआत मेडवेडेव के लिए अच्छी नहीं रही, वो इसलिए नहीं अच्छी रही क्योंकि 8 बार नहीं 2 बार सर्विस गेम ब्रेक की, 8 शुरू में ब्रेक हुई और 8 सर्विस गेम उसके बाद ब्रेक हुई और 6-8 से जेनी सिनर ने ये वाला सेट जीता और मैच जीता 2-1 से। पहला सेट जीता था उन्होंने बढ़िया तरीके से 6-3 से, सेकंड सेट में टाई ब्रेकर में हारे थे मेडवेडेव जीते थे और थर्ड सेट में जीता सर्विस गेम ब्रेकर के 6-8 से। अब वो दोस्तों फिनाले में पहुंच गए, फिनाले में उनका मैच होगा जोकोविच या कार्लोस अल्कराज से और जो उनका मैच होने वाला है उनका मैच होने वाला है जोकोविच से क्योंकि कार्लोस अल्कराज से जोकोविच जीत चुके हैं। फिलहाल दोस्तों अगर मैं स्टैट्स की ओर बात करूँ तो एसिस दोनों प्लेयर ने बराबर ली और डबल फॉल्ट भी, 10 एसिस सिनर और मेडवेडेव ने, 2 डबल फॉल्ट सिनर और मेडवेडेव ने। अगर देखा जाए ब्रेक पॉइंट्स, काफ़ी बार सर्विस गेम ब्रेक पॉइंट्स के नज़दीक थे बट मेडवेडेव कोई ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट नहीं कर पाए। दूसरी ओर जेनी सिनर ने ब्रेक पॉइंट काफ़ी बार कन्वर्ट किया, 8 पहले सेट में कन्वर्ट किया और 2 सेकेंड्स जो वो सेकेंड सेट जीते थे, इनफैक्ट वो मैच का थर्ड सेट था उसमें कन्वर्ट किया, तो देखा जाए 3 बार कन्वर्ट किया और मेडवेडेव नहीं कन्वर्ट कर पाए, यही मेन रीज़न था जिसकी वजह से ये वो मैच आ रहे हैं मेडवेडेव। इनका देखा जाए दोस्तों पहले 6-0 से आगे चल रहे थे इस साल, पहले 2 बार मैच हुआ था, रोटरडम में मैच हुआ था, मियामी में हुआ था, दोनों जीते थे जेनी सिनर से, दोनों बार फिनाले हुआ था। उसके बाद 2 फिनाले और हुए और दोनों फिनाले में कौन जीते, जेनी सिनर, और इस बार सेमीफाइनल हुआ जेनी सिनर। 6-0 से आ रहे थे अब 6-3 पर आ रहे हैं, सिनर अगर इसी तरह जीतते रहे वो दिन दूर नहीं, 7-6 से वो लीड चलेंगे और जेनी सिनर मेडवेडेव 6 पे ही रह जाएंगे। मेडवेडेव को कुछ अपनी टेक्निक में सिनर के खिलाफ चेंजेस करनी पड़ेंगी और मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी चेंजेस करे और जीते उनके खिलाफ ही। दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।